जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे आज बरसाती मेंढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहा है, अब वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। दर्शन मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। सोच लीजिए आप, जहां अस्थिर सरकार है अभी, लेकिन वो भारत को भपकी दे रहा है, गीदड़ भपकी। तो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? पहले तो पाकिस्तान के साथ एक फिक्सेशन थी ना, अब बांग्लादेश के साथ भी हो गई है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में पहले हो चुका है। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था। अदरी और बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क था। अच्छा। बेवकूफी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है, कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे, जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया पाकिस्तान में कैसे। म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे, और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़े होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। हाँ। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है, इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है भी इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए, यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई। हाँ। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिये, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे, वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखें, इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का, इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रेंगेंगे ज़मीन पर, और इनको एक साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी कर ले, इनको वीजे नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं, 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा। तब फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है, 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है, इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार, हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया, आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें, हम आप चाहते हो नल बंद कर दें,
क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हैं यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी दो कौड़ी की साइकोलॉजी, जूते के यार हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज, इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है, छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। ये कह रहा है कि हमें बीएनपी को रीच आउट करा है अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, और किसने, यूके ने, चाइना ने, वो तो करेंगे ये रीच आउट यार, वो तो करेंगे रीच आउट, तुम बिकाऊ हो, वो क्यों रीच आउट कर रहे हैं? मैं एक सीधी बात बताता हूं, ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। बीएनपी एक पार्टी जो पिछले 10-15 साल से ऑपोजिशन में रही है, यूएस बीएनपी में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, कभी सोचा है? कभी सोचा है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? यूके क्यों इंटरेस्ट, तुम्हारे पास है क्या ऐसा? मैं बांग्लादेशियों से एक बात पूछता हूं, और बुरा मत मानना मेरी बात का, यह मत बोलना कि मेजर तुम कड़वा बोल रहे हो, मैं तुमसे साफ सीधी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या, है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो यूएस को चाहिए? सोचो, सोचो तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास एक दो आइलैंड हैं। द इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर इज चाइना। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत तीसमार खान हो, तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने, 100-200-300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो, क्या है तुम्हारा? हां ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। देखिए हमारी जो, हम एक बहुत ही मजबूत केस के बड़े कमज़ोर वकील साबित हुए हैं, और सीधी सी बात यह कि हमने कश्मीर का मुकदमा लड़ा ही नहीं, और यही वजह है कि दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपनी, जाहिर है उनकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ ही उन्होंने जो गेम डिप्लोमेटिकली खेला, अदरवाइज खेला, उसमें वो कामयाब हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। तो वाजपेयी साहब का दौरा पाकिस्तान, उसके बाद कारगिल का होना, तो हमने जब वाजपेयी जैसे लीडर को कमज़ोर किया तो उसके नतीजे में मोदी जैसे लोग मजबूत हुए हैं।